हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो है मोबाइल चार्जर, जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही चीप प्राइस में बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ IN4007 चार डायोड, जिससे हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो सिंपल है दोस्तों, बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं घर पे, बहुत ही चीप प्राइस में बनके तैयार हो जाएगा ये। तो आपको डायोड मिल जाएंगे 2 रुपये में आसानी से। तो आपको दोनों पॉजिटिव सिरे मिला देने हैं और उनके पीछे दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव लगा देने हैं। तो बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए। मैं थोड़ा वीडियो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बार ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, तो आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। और इसको हम कनेक्ट करेंगे 4700 माइक्रोफेरेड और 35 वोल्ट के साथ। आप चाहें तो उससे छोटा कैपेसिटर भी ले सकते हैं, और आप अगर IN4007 नहीं है तो आप 5408 ले सकते हैं या फिर 6A ले सकते हैं, ठीक है। उनका अम्पेयर थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसका अम्पेयर नॉर्मल रहता है। और ये जो चार्जर होगा दोस्तों वो 1 अम्पेयर के आसपास होगा, जो कि आपके मोबाइल को आसानी से चार्ज करेगा। तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तैयार है। अब यहाँ पर मैं 4700 माइक्रोफेरेड और 35 वोल्ट का कैपेसिटर ले रहा हूँ, और इसका ये पूरा चार्जर दोस्तों बनके तैयार हो जाएगा 100 रुपये से कम में भी, 90 रुपये के आसपास ये कंप्लीट चार्जर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, जो कैपेसिटर के ऊपर आपको एक वाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही है वो नेगेटिव है, और उसके अपोजिट साइड में वो पॉजिटिव है, और बाकी के दोनों सिरे वो 220 वोल्ट के लिए होते हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बैक लेग्स थोड़ी बड़ी हैं तो इनको मैं थोड़ा काट देता हूँ, काटने के बाद में आगे की प्रोसेस करते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लूँगा दोस्तों, अब यहाँ पे मैं 12012 का 1.5 एम्पेयर का ट्रांसफॉर्मर ले रहा हूँ, जो कि आपको 70 रुपये में, 60 से 70 रुपये में इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 12012 की जगह हम 12 काम में लेंगे। तो एक वायर हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, मैं इसको टेप लगा के चिपका देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसके जो 12 के कनेक्शन हैं वो कर देता हूँ बिल्कुल अपोजिट साइड में, जहाँ पर हम आउटपुट लेंगे उसके जस्ट अपोजिट टाइम में 2 वायर और हैं, उनसे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता, किसी भी वायर किसी साइड में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड में रेड वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, और नेगेटिव साइड में मैं ब्लैक वायर कनेक्ट करूँगा, जो कि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव को डिनोट करता है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव वायर भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ 7805 IC, जो कि आपको 5 रुपये में मिल जाएगी, और एक इसके साथ में हीट सिंक ले रहा हूँ ताकि हमारा चार्जर हीट हो तो ये हीट को अब्जॉर्ब कर ले और हमारी IC सेफ रहे, जलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो इसको मैं हीट सिंक के ऊपर फिक्स कर लेता हूँ। मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊँगा, डायग्राम भी आपको मैं दिखाऊँगा, आप उसको ईजिली घर पर बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है। हाँ, बस ये थोड़ा भारी बड़ा होगा क्योंकि इसमें बड़ा ट्रांसफॉर्मर लग रहा है, और जो कंपनी फिटेड होते हैं उसमें छोटा ट्रांसफॉर्मर आता है, तो इसी वजह से वो थोड़ा छोटा होता है। तो ये पिन डायग्राम है दोस्तों 7805 IC का। ये 7805 6 9 12 ये ऐसे आती हैं, तो इनमें सब में कनेक्शन सेम रहते हैं। तो इनपुट की साइड में मैंने दे दिया है, बीच में दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा, और आउटपुट में राइट साइड में इसमें आउटपुट का रेड वायर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने एक MDF बोर्ड का बॉक्स बना लिया है, दोनों साइड में इसमें होल कर लिए मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करना चाहता था। तो अब इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मर को फिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें ज़्यादा देखने वाली या समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। मैं कि यहाँ पे आप स्क्रू या नट बोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर को फिक्स करने के लिए। हमें यहाँ पे इसके बिल्कुल पास में ही कैपेसिटर और हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर हमने बनाया था उसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर का दोस्तों मेन काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करना, तो जो कि सभी जानते हैं।
मैं इन दो वायर यहाँ पे 220 वोल्ट के लिए मैंने दो वायर ले लिए हैं और ट्रांसफार्मर के जो इनपुट में 220 वोल्ट हैं वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं दोनों वायर कनेक्ट कर देता हूँ, उसको सोल्ड करके सोल्डिंग की टैपिंग करके उसके बाद मैं टेप कर दूंगा। तो जो ये आगे का जो पोर्शन है वो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, आपको कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे हम केबल कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे जो कार का चार्जर, मल्टीपर्पज़ चार्जर आता है कार का, पोर्टेबल ट्रेवल चार्जर जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे ले रहा हूँ। इसमें 5-6 तरीके की पिन आती है, तो इसमें आप किसी भी तरह के कोई भी मोबाइल आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं होल्ड करने के लिए एक नोट लगा देता हूँ, या आप गांठ बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे पॉजिटिव रेड वायर पॉजिटिव है दोस्तों, और वाइट वायर नेगेटिव है। तो यहाँ पे आउटपुट में मैं पिन के जो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आउटपुट में रेड वायर कनेक्ट कर देता हूँ, और बीच के अंदर जहाँ पे नेगेटिव हमने इनपुट दिया था वैसे ही मैंने कर दिया है। ये देखिए कंप्लीट प्रोसेस हमारी हो चुकी है। ये हमारा 220 वोल्ट का कनेक्शन है, और ये हमारी आउटपुट के लिए 5-6 पिन है, जो कि अलग तरीके हर तरह के चार्जर आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक MDF बोर्ड लेके उसका टुकड़ा उसके ऊपर 1K रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है LED, जो कि हमारे चार्जर कनेक्ट होते ही 220 वोल्ट से कनेक्ट करते ही वो ग्लो करेगी। मैं दोस्तों आपको ये चार्जर फुल्ली प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बहुत से जो मेरे भाई हैं जो वीडियो बनाते हैं वो बताते हैं कि 7805 से मोबाइल चार्ज नहीं होता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा स्लो चार्ज करता है। अगर आपकी 4000 या 3000 से ज़्यादा MAH की बैटरी है तो उसमें थोड़ा स्लो हो सकता है, बाकी ये चार्ज करेगा। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। तो मैं ये फिक्स कर दूँ, मार्किंग वगैरह करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको मार्क वगैरह कर दिया है, मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट, यहाँ से आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, और यहाँ पे हमें 220 वोल्ट का इनपुट देना है। आगे की पूरी प्रोसेस मैं मोबाइल चार्ज करके दिखाऊंगा दोस्तों आपको, और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ये वीडियो फेक है या फिर कुछ भी है, जो भी है। अगर आप प्रॉपर 7805 IC को अगर प्रॉपर वोल्टेज आप देते हो तो वो आउटपुट में आपको अच्छे से देती। हाँ, आउटपुट आपका 0.7 या 8 एम्पेयर के पास ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। अगर ज़्यादा लेना है तो आपको 2 IC यूज़ करनी होगी। तो मैं पहले आपको मोबाइल चार्ज करके, जो अपना स्मार्टफोन है उसको चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए चार्जिंग कनेक्ट हो चुका है। फिर मैं आपको जो नोकिया के जो छोटे मोबाइल आते हैं, वो भी एक मोबाइल है मेरे पास, मैं वो भी आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। और फिर लास्ट में आपको यही स्मार्टफोन आपको मैं एक चार्ज करके दिखाऊंगा बिल्कुल टाइमिंग के साथ। तो ये नोकिया का मेरे पास एक फ़ोन है, काफ़ी पुराना फ़ोन है दोस्तों। ये देखिए अच्छे से चार्ज कर रहा है। मैं थोड़ा वीडियो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये थोड़ा जिसकी लाइनिंग है ये फास्ट चलती दिखाई दे रही है। अब मैं दोबारा आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, आप टाइम डेट ये अच्छे से चेक कर लें। पहले मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको इसको टाइमिंग वगैरह सारी चेक करके दिखाऊंगा। आप देखिए इसका टाइम अभी क्या हुआ है, 8:56, 12 सितंबर 2020। अभी मैं 2 मिनट के बाद मैं इसको देख रहा हूँ, ये देखिए 12:58 हो गई है, और ये 80% जा चुका है, यानी कि 1% 2 मिनट में 1% कवर कर चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।